ये बैटरी और मोटर और चार्जर को 3 साल तक गारंटी दे रही है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस व्हीकल नाउ कंपनी विल बी अडॉप्ट फॉर 3 इयर्स, वो आपको गोद ले लेगी और 3 साल यानी कि 1095 दिन तक आपको इसमें एक पैसा, तो करीब करीब तीन साल में 3,24,000 की फ्यूल आप पेट्रोल पंप को दे रहे हैं। लाइट पहले इंडिकेट करेगा और ये लाइट जब बंद हो जाएगी तो आपका स्टार्टिंग पूछना कि यू आर रेडी टू राइड, ओके। अब न्यूट्रल लिखा हुआ, न्यूट्रल मीन्स की गाड़ी आपकी रुकी है, देन अगर आपको आगे बढ़ानी है गाड़ी तो गो इन फ्रंट मोड, फ्रंट मोड में जाएंगे और एस्केलेटर को जरा सा ऐसे करेंगे बढ़ जाएगा तो गाड़ी बढ़ जाएगी। और अगर बैक करनी है तो आप रिवर्स मोड में आए और ये गाड़ी बैक हो जाएगी। ये दो खूबी हुई सर। तीसरा क्या है कि मान लिया कि आपकी गाड़ी लोड है, ओके, और आपको कोई पुल पे चलना, तो एक इसमें बूस्ट मोड दिया, तो गाड़ी अगर लोड है और आपका पुल आ गया तो ये बूस्ट मोड पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा पावर जनरेट करके पुल पे चढ़ा देगा, नंबर एक। और यहाँ पर देखेंगे सर, आपको टोटल इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी कितना स्पीड में चल रही है, सब ठीक, टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीटर है कितना किलोमीटर रन की, ठीक है। और इसमें एक और फैसिलिटी दिया सर, क्या है, इस गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरह हम लोग फोर व्हीलर चलाते हैं उस तरह चलाना है, क्योंकि इस पर हमको पैर नहीं रखनी है, इस पर ब्रेक पे पैर रखनी तब है जब हमको जरूरत पड़ेगा कि हमको ब्रेक मारनी है, समझ गए, क्योंकि जब जब हम इस पर ब्रेक मारेंगे तब तक बैटरी मेरा ऑटोमेटिकली रिवर्स चार्जिंग होगी, समझ गए, जो मेरा मोटर है वो अल्टरनेटर का काम करके बैटरी को रिवर्स चार्जिंग करेगा। ये है GPS, गाड़ी कहाँ है आपके मोबाइल में मैं एक्टिवेट कर दूंगा और इससे आप ट्रैक कर सकते हैं मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है। इसमें एक 12 वोल्ट की अलग से बैटरी दी है, वो बैटरी का काम है रात को इंडिकेट करना, रात को इस बैटरी का फंक्शनिंग अलग से दिया 12 वोल्ट का इंडिकेटर करना आपका हेडलैम्प के लिए, और इस बैटरी को आपको चार्ज नहीं करना, ठीक, जो सिंगल लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है 51.3 वोल्ट का उसको चार्ज करनी है, वो जब चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक। उस बैटरी को चार्ज होने में मात्र 3 hours 45 minutes लगती है, 3 घंटा 45 मिनट में बैटरी चार्ज आएगी। एक बार बैटरी अगर चार्ज हो गई तो 110 किलोमीटर इसकी चलती है ड्यूरेशन, 110 किलोमीटर चलेगी। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का मोटर दिया जो 9.55 किलोवाट का, इट मीन्स कि 12.5 हॉर्स पावर जो अभी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में नहीं लगा हुआ, वो इतना ज़्यादा है कि टॉर्क डीजल से ज़्यादा इसमें। डीजल गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करने से बढ़ाने के क्रम में हमको 36 सेकंड लगता है, न्यूट्रल पे हमने स्टार्ट किया, एक नंबर पे किया, फिर दो नंबर पे किया, इस गाड़ी को मात्र 1 से 2 सेकंड में गाड़ी अपना स्पीड पकड़ लेती जो आपने अभी देखा 3 सेकंड। और जहां तक इसकी बैटरी की बात है, अब इसकी बैटरी देखें तो बैटरी और मोटर दोनों मेरा देखिए, ये है बैटरी लिथियम आयन बैटरी, अभी एमरॉन बना रही इंडिया में, ओके, और ये देखेंगे ये पूरा वाटरप्रूफ है बैटरी और एज वेल एज मोटर, तो ये वाटरप्रूफ है और इसको ये बैटरी और मोटर और चार्जर को 3 साल तक गारंटी दे रही है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस व्हीकल नाउ कंपनी विल बी अडॉप्ट फॉर 3 इयर्स, वो आपको गोद ले लेगी और 3 साल यानी कि 1095 दिन तक आपको इसमें एक पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ खर्चा करना क्या है, जो गारंटी है हल्का फुल्का हुआ उसमें खर्च करना है रनिंग में, ये तो क्लियर हो गया सर। और जब इसका आप इसका बेस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका दूसरे गाड़ी से ज़्यादा दिया है, ऐसो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm है, जबकि दूसरे गाड़ी का इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है दूसरी बना रही कंपनी उसका 123 mm माने 100 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, गुड लुकिंग है, लेकिन ये पूरी मेटल बॉडी है। तो सस्पेंशन भी बढ़िया दिया है, देखिए इसकी ग्रिपिंग है रोड पर चलते, इसकी ग्रिपिंग रोड पर चलते। देखिए अभी हमने दिया मंदुमपुर में, बोलता है 130 किलोमीटर चलता, तो हम लोग कैसे 130 किलोमीटर देगा, अगर हम इसको राइड कर रहे हैं तो मिला के चल रहे हैं, कभी 45 पे कभी 40 पे कभी 30 पे कभी 25 पे, अगर इसको मिला मिला के चलाएंगे तो 130 30 भाग
ऑफर वगैरह है? मैं बता रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इसका प्लान किया है। ऑफर तो ऐसा सर कि आप बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है 4,32,000, लेकिन इसमें 81,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब्सिडी दे रही है। ये पैसा तो मैं लेस करके दूंगा, चूंकि आपके पास 6 डिजिट का OTP जाएगा जी। ये पैसा कंपनी को ऑटोमेटिकली रिमबर्स हो जाएगा। ठीक ठीक। तो 4,32,000 में 81,000 सब्सिडी मिल गया, तो इसका पड़ेगा 3,51,000। और सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 साल 365 × 3 = 1,095 दिन आपको एक पैसा खर्च नहीं करनी। इफ यू गोइंग टू कैलकुलेट एज वेल एज डीजल, इफ यू फील दैट डीजल इन 300 रुपीज पर डे, इसको आप कैलकुलेट करते थे तो करीब करीब तीन साल में 3,24,000 के फ्यूल आप पेट्रोल पंप को देते हैं, वो आपकी नेट सेविंग है। 3 साल में इसलिए कर रहा हूँ ना कि 3 साल के तक हमने आपके आपकी गारंटी दे दी। इसका मतलब क्या हो गया? मगर रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया रजिस्ट्रेशन। यस, इंश्योरेंस मैं लिख दे रहा हूँ सर, 1 ईयर्स रजिस्ट्रेशन एज पर MBI नॉर्म, 15 ईयर्स का रोड टैक्स, चूँकि आप कार्गो लेंगे MBI के तहत 10 ईयर्स का रहता है, और फिटनेस जो होती है 2 ईयर्स की, और HS आदमी जो नंबर प्लेट होती है 2 पीस देंगे। इसके बाद इसमें नो पोल्यूशन, नो परमिट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको परमिट फ्री कर दिया। वो उसी गाड़ी का डाली का डाला का ही बताया है। इस गाड़ी की कीमत पड़ती है 3,90,670, उसमें 71,000 सब्सिडी है। ठीक ठीक। मैं इस पे इसलिए आ रहा हूँ, और इसमें हमने लिखा है सर, सब्जी लिखा है, देखिए ऑटो रिवर्स चार्जिंग। अच्छे, हमको फाइनेंस किससे करवाएंगे? फाइनेंस आप इससे बोले, महिंद्रा से बोले, महिंद्रा से, चोला से बोले, SBI से करवाइए। SBI से ऑटो लोन नहीं करती है। सॉरी, कितना हमको देना पड़ेगा? कितना? 80,000 देते हैं। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? कितना साल का करेंगे आप? देखिए, तीन साल जो फाइनेंस का जो प्रोसीजर है, महिंद्रा से मैं करवाऊंगा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 3 ईयर्स की करती है। ओके, चोला मंडलम जो है 3.5-3 साल की करती है। तो डिपेंड करता है कि महिंद्रा से करवाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका कम? दोनों करीब करीब से। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 11.5 से 12 जाएगा। 81,000 रुपये डाउन पेमेंट करना है अगर इसमें जाएंगे तो, इसमें चोला मंडलम या फिर नेक्स्ट प्रीमियम कितना देना पड़ेगा हमको? एग्जैक्ट एस्टीमेट मैं बना दूँगा, अभी बना ही रखूँगा मैं। अप्रॉक्सीमेट 2,80,000 आपकी लोन लेके चल रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। अगर 2,80,000 लोन लेते हैं, उसकी टेन्योर आप 3 साल रखते हैं, तो एक रफ हम टेंटेटिव बताते हैं, 10,461 रुपये आएगा 3 साल में, अप्रॉक्सीमेट है। और अगर मैं 2,80,000 को 3.5 साल में ले जाता हूँ, 9,350 रुपये अप्रॉक्सीमेट। ठीक। इन 42 ईयर्स टेन में। ठीक जी, हम कैसे आएंगे तो कोटेशन आप कर लेंगे। हम एक सर्विस वगैरह सब ठीक सही है ना आपका? 3 साल तक मैं आपको, मैंने क्या बोला, इसमें तो सर्विसिंग है नहीं, और सर्विसिंग आपको 3 महीना में करवाएं, 90 दिन में, वो भी आपको सर्विस फ्री है, इसे सिर्फ ग्रीसिंग करनी आपको कुछ है नहीं।